हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ जो मेरा है ना स्टार्टिंग से मन था कि मैं उसे करवाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं करवा पा रहा, जो कि है सी बेंड पाइप। तो भाई आज हम लगवाने वाले हैं सी बेंड पाइप, और मेरी बुलेट का मीटर वगैरह भी नहीं चल रहा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ आपको दिखाऊँगा। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, फटाफट निकलते हैं करोल बाग की ओर। तो भाई मैं दिखाता हूँ कि और क्या क्या बाइक में करवाना है। तो देखो, तो गाइस ये है अपनी बुलेट, तो इसके अंदर अभी मैंने लगा लिया स्टॉक, और ये इसमें बेंड पाइप है। लपी पुपू कर रहा है, लपी, अरे मम्मी भी अपनी। तो इसके अंदर लगा हुआ है नॉर्मल बेंड पाइप, BS4 है, लेकिन इसका कार्बोरेटर मैंने चेंज करा दिया, BS3 वाला लगा दिया, और अब इसके अंदर BS3 की मॉडिफिकेशन होने वाली है, यानी सी बेंड पाइप लगने वाला है, और फिर इसका साउंड हो जाएगा एकदम ऑसम, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जितनी मॉडिफिकेशन थी सारी मैंने करा रखी है, एलॉय व्हील, फ्लैशर, और इसकी देख लो थोड़ी सी है ना सीट घिस सी रही है, फट सी रही है, तो आज इसकी सीट भी हम चेंज करवाएंगे। बाकी इसका जो मीटर है वो भी वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब चलेगी तो मैं दिखाऊँगा। ठीक है, जो इसकी जो मशीन है ये ख़राब हो गई है, तो या तार डलेगी, जो भी है वो हम जाके कराएंगे। और आज मैं 3 महीने बाद करोल बाग जाने वाला हूँ, तो हाँ 2-3 महीने हो गए मैं करोल बाग नहीं गया, तो भाई अब हम जाएंगे। उससे पहले हम अपनी स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन करा रहे थे, तो स्विफ्ट अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, तो भाई अब नंबर आ गया अपनी बुलेट का। तो भाई इसमें सी बैंड पाइप लगने के बाद ना कोई भी काम नहीं बचेगा कराने वाला। ठीक है, तो और लेग गार्ड भी देख सकते हो इसको, ये इस पर मैंने वो टेप होती है वो लगाई हुई है, वो जो बिजली वाली टेप होती है ना, ताकि इसका लुक बढ़िया लगे। देख सकते हो इतना सही आ रहा है, मतलब पता भी नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा मैट है और यहाँ से पेंट कर दिया है। तो ये हमारे भाई ने करा था, DL ने। ठीक है, उसके लिए बिग थैंक्स। तो अभी फटाफट हम चलते हैं, जितना जल्दी हो सके निकलते हैं, और फटाफट आपको मिलते हैं करोल बाग में। चलो गाइस, तो गाइस हमारा भैया आ चुका है। हेलो भैया जी, हमेशा एक ही इशारे करते रहो, कुछ नया भी कर लिया करो मोटू। अरे भैंस कही की। तो भाई अभी हम फटाफट चल रहे हैं, इसके अंदर तेल डलवाना है। ठीक है, और भैया जी को ऑफिस छोड़ना है, 12 बज गए हैं, ऑफिस जा रहे हैं भाई साहब। लो भैया पकड़ना जरा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 9 बजे ऑफिस, 12:30 है, कोई काम धाम नहीं है, जेब में 2 लाख ऐसी नौकरी मिल जाए, 9 बजे ऑफिस हो, 12 बजे जा रहे हो, बॉस कुछ कह रहा है, कोई काम धाम नहीं, बैठे गेम खेल रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, कैंडी क्रश के मजे ले रहे, कोई काम धाम नहीं, जेब में 2 लाख का चेक, 50,000 हाथ में, छुट्टी है, 5-5 बजे निकल रहे हो ऑफिस, कोई काम धाम नहीं, में सरकारी के मजे ले रहे हैं, कोई काम धाम नहीं। क्या बात है, चलो भाई निकलते हैं फटाफट, सैड पैड ये मीम में जरूर डालूगा, देखना भाई साहब। 50-60 हज़ार रुपए पड़े हुए, एक चेक, एक 2 लाख का जेब में पड़ा हुआ, और बैग पीछे पड़ा हुआ, हेलमेट, और गाड़ी पे लिखा हुआ है आर्मी, गाड़ी पे लिखा हुआ है आर्मी, अरे फौजी की गाड़ी, कोई हाथ मत लगाओ। अच्छा, और आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई ऐश नहीं, फिर आए जरा देर को रामपुर को, रामपुर में तो जरा देर को रुके 1 घंटा, और फिर इधर आदत निकल गए, इधर चालू है इसका मीटर वर्क नहीं कर रहा है, जो जिसकी प्रॉब्लम के लिए हम जा रहे हैं, देख लो सुई बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, और आज के बाद इसका साउंड ऐसा बदल जाएगा किसी ने सोची नहीं होगी, के ना सोची होगी भाई। हाँ तो भाई जल्दी जल्दी चलो गाइस, पेट्रोल पंप पहुंच के दिखाते हैं। तो भाई आ गए हम पेट्रोल पंप, ये रहा अपना भैया, और ये रहा पेट्रोल पंप। तो भाई अभी भरवा, भैया कितने का भरवाऊ, 20 रुपए का चलेगा, पता नहीं। अच्छा चलो भाई, तो भाई पेट्रोल भर चुका है अपना, देख लो अब तो ऊपर खर्च लग रहा है। अरे यार भैया गंदगी बहुत हो रही है यार, है ना, फुल लगा दे, हाँ गंदगी बहुत हो रही है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अरे पहले ही था इसमें, थोड़ा और फुल करा लिया, तो भाई चलते हैं, बंद करना है इसे। इस करोल बाग पहुँच चुका हूँ, आपको अब दिखाते हैं बाइक में क्या क्या काम होना है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है भाई, ये अपनी बाइक खुलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और अभी यहाँ पे लगेगा सी बेंड पाइप, और जो इसमें आगे होगा ब्रेक शू चेंज, और मीटर जो वर्क नहीं कर रहा, मशीन दिक्कत कर रही है एक तो, ठीक है मशीन दिक्कत कर रही है, और ये चेंज होगा।
तो भाई जैसे जैसे होता है आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या मैं सामान ले रहा हूँ। ये रॉयल इनफील्ड से ही ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हो ये एक बक्सा ले लिया है और ये एक तार ले ली है अपनी, ठीक है, रॉयल इनफील्ड की, ठीक है। तो अभी हमारा आ रहा है सलमान का, ये इसमें लग जाएगा ना, इसमें लग जाएगा ना। तो ये अपना ये बड़ा मीटर बच्चा आपके मॉडल का। अच्छा ये वाला मॉडल है भाई इतना। तो भाई ये चल रहा है, ये तो एनुअल वाला से ओरिजिनल वाला ब्रेक शू दे आगे का, एक ब्रेक शू चाहिए। तो भाई ये अभी अपना काम होने जा रहा है। ये बड़ा फ्रंट ब्रेक शू देता है, कितने का ये वाला? 330। ये भाई एक ये भी तो रखी, इसने दो पीस अभी तो रखे कार के तो भाई ये ब्रेक शू दिखाना है, इसके पुराने ब्रेक शू क्या हाल है उसके, वो रखे। इस पर चढ़े तो हैं रबड़ खत्म हो गई बाबा, तो रहे हैं। देख लेना ब्रेक अच्छी दबनी चाहिए। अरे कौन सा कलर में लगा रहे हो, ब्लैक में लगाओ ना। ना 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 इसका ये नहीं आता, पहले जो ब्लैक वाला लगाओ यार, क्लासिक का है जो डिस्क वाला है। हाँ ये ड्रम में यही आएगा। अरे यार तार दे दिए शायद, अच्छा वो उसी के साथ किया, वो ब्लैक कलर में था पहले, अभी आपने सिल्वर में दे दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो आपके वाला ना वो गलत लगा हुआ। अच्छा हमने कहीं से चेंज करवाया। हाँ तभी वो खराब हो गया। अच्छा इसलिए खराब। अच्छा ये कितने की है? ठीक है तो भाई ये शू और ये अभी काम अपना हो रहा है स्टार्ट। भाई अपना बेंड पाइप, इस पे MRP कितनी लिखी है? 1800 रुपये MRP लिखी है भाई। और इसका मेरे को प्राइसिंग पड़ी है 950 रुपये, ठीक है। तो देख सकते हो बाकी दुमा उठा देंगे बढ़िया। तो अभी ये फिट हो जाए फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो इसके अंदर तार डल रही है, वो उसका मीटर का नॉब डल रहा है और ब्रेक शू डल रहे हैं आगे के, ठीक है। और सीट का काम भी कराना है, और सीट का काम देखते हैं लास्ट में कराएंगे अपना, ठीक है। तो ये सब लग जाए तो आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई ये ठीक है, ये लग रहा है तो, और फिर वायर डलेगी और वहाँ से हमारा खुल रहा है बेंड पाइप, देख सकते हो खुल रहा है यहाँ से बेंड पाइप, ठीक है। और अभी इसको ये वाले बेंड पाइप को अपने साथ घर ले जाऊंगा और वो वाला लगवा लूंगा और घर जाके साइलेंसर चेंज कर दूंगा। तो भाई ये भाई आराम से यार। तो ये सी बेंड पाइप अपना देख लो, मस्त लुक आ रहा है, मतलब हैवी वाला भाई दिखा ना। हाँ ये हैवी वाला है भाई, लोकल वाला नहीं है, सिल्वन का है, ताकि एकदम बढ़िया लुक है। लो भाई
लग जाएगा। तो भाई ये फिट हो चुका है, बस वहाँ नट लगना रह गया, तो मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। मतलब भाई अभी तो चलो अच्छी बात है, कम आ रहा है भाई, लेकिन जैसे इसमें बड़ा पंजाब लगेगा ना, फिर मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा और उसके बाद ही वीडियो एंड करूँगा, ठीक है। घर पहुँच के फटाफट इसके अंदर बड़ा पंजाब लगाता हूँ, फिर आपको इसका साउंड सुनाऊंगा बढ़िया सा। तो गाइस ये हमने बुलेट की सीट कवर ले लिया, जो अभी हम अपने बुलेट में लगवाएंगे वो खड़ी, ठीक है। तो अपना बिल अभी पूछते कितना का हो गया, तो फिर पे करके 1758 कितना कर दूँ, खुद ही बता दो, आप पे रुको हूँ पहले। चलो राउंड फिगर ले लो, लाओ, थैंक यू, हो गया भाई बिल। तो अभी चलते हैं भाई फटाफट सीट कवर लगवाएंगे। तो गाइस ये वाली पत्ती हमने ले ली है, ये इसमें लगेगी अभी, ठीक है। तो लो लो भाई लगा दो। तो ये वाली पत्ती जो है वैसी खुल नहीं रही है, बहुत हार्ड हो गई है, तो ये लग जाएगी इस पर, ठीक है। और ये अभी सीट खुल रही है ताकि इस पर वो जो सीट कवर हमने लिया है वो लग सके, ठीक है। जैसे ही सीट लगती है और ये पत्ती लगती है, ओवरऑल फिर मैं आपको दिखा दूंगा कैसी हो गई। बाकी मीटर का काम ओके हो गया, ठीक है, ब्रेक सही हो गई है। भाई एक बार थोड़ा पीछे से दबाना, पीछे से दबाना ब्रेक, हाँ दब रही है ढंग से। लगा दो, लो पत्ती लगा दो। तो अरे पेस्ट तो अपने यहाँ से डालो, सब ले लो ना, ये ले आओ वो ले आओ, ये देख रहे हो, खुद तो कुछ करो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आए आए करो, तो तुम्हारे पास है क्या? सर्विस चार्ज किस बात के ले रहे हो तुम? बोला ना अंकल को, बोलो के अंदर एक छोटी सी दिक्कत हो रहा है, मतलब टायर ढंग से घूम नहीं रहा था पीछे का, तो अभी ये कह रहे हैं इसके अंदर रबरों का हाल जो होता है, रबड़ के चक्कर में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही थी, तो अभी ये रबड़ निकलेगी, देखो ये मतलब टूट रही है, और इसकी वजह से क्या पहिया फ्री हो जाता है, तो इसलिए मेरी बाइक सोचू कि इतनी टाइट क्यों चल रही थी, तो ये नहीं डलेगी, तो उसके बाद बढ़िया घूमेगी जब तक मेरी सीट आ रही है पीछे की, देख सकते हो न्यू रबड़ लग गए हैं जो पन्ने खुलवा के नए नए लगे हैं, 7,000-8,000 के दे रहे हैं, एकदम रबड़ की वजह से है ना गाड़ी अब की बहुत टाइट टाइट चलती है, तो भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखना, टाइट चल रही हो तो ये अपने रबड़ दिखा सकते हो, तो अभी सोचो इतनी टाइट की चल रही है। तो भाई वैसे काम अपना पूरा डन हो चुका है, देख सकते हो सी बैंड पाइप लग गया, साइलेंसर लग गया, ठीक है, बात अपना पूरा मतलब मामला ख़त्म हो गया भाई। अभी अपनी सीट का काम हो रहा है, देख सकते हो मेरी सीट है ना यहाँ से टूट चुकी है, ठीक है, बकायदा तो इसे नहीं डलनी चाहिए, लेकिन अभी मैं नहीं डलवा रहा, सीट कवर ही लगवा रहा हूँ, कोई नहीं बाद में लगवा लेंगे। मैं सोच के बैंड पाइप का आया था, बीच में खर्चे और पड़ जाते हैं, तो कोई नहीं, तो ये भी लग जाए, तो आगे आपको दिखाते हैं। तो भाई अपनी सीट लगने को जा रही है, ये आ गई सीट, देखो भाई अब आ गया मस्त मज़ा, लुक देखो भाई सीट का, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई भाई पूरी सीट, अब बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी निकलवा के ला रहा हूँ, बस वही बात है
अपना सारा काम हो गया, आगे ब्रेक का, पीछे वो जो टायर नहीं घूम रहा था टायर भी घूम रहा है, ठीक है, बेंड पाइप भी लग गया, ये देखो पीछे घूम भी रहा है और बेंड पाइप भी लग गया तो, और आगे ब्रेक शू भी लग गए हैं। तो भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, और पहुँचते हैं फटाफट घर, और फिर मैं लगाऊँगा इसके अंदर बड़ा पंजाब, और बड़ा पंजाब लगा के आपको है ना इसकी पूरी साउंड सुनाऊँगा। तो भाई फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको घर पे। चलो भाई, तो भाई इस घर पहुँच चुका हूँ, ये रहा अपना सी बेंड पाइप, ठीक है, अब इसके अंदर लगने वाला है ये बड़ा पंजाब, ठीक है, बड़ा पंजाब लगा देंगे और फिर आपको सुनाते हैं साउंड। और लेकिन पहले आप एक बार स्टॉक साउंड सुन लो कैसा आ रहा है, ठीक है, मैं इसका एक बार साउंड सुनाता हूँ, बाकी देख लो लुक तो अब सही आ रहा है। वैसे यार BS3 थी तो BS3 का बेंड पाइप लगवा लिया इसलिए मैंने, वही मस्त लुक आ जाए, मज़ा भी आ जाए, लेकिन अब जो साउंड आने वाला है ना वही बहुत तगड़ा आने वाला है, साउंड सुन लो आप, ये साउंड आ रहा है। तो अभी आपको मिलते हैं बड़ा पंजाब लगा के, फिर एक बार साउंड सुनाता हूँ भाई। तो गाइस लग चुका है बड़ा पंजाब, देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब है टाइम, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, आपको साउंड सुनाने का। ये आ रहा है इसका स्टॉक साउंड, सिर्फ अभी नॉर्मल स्टार्ट है, अब इसको रेव करते हैं। देखो भाई ये साउंड आ रहा है इसका। तो भाई व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी, और भाई मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में बढ़िया से। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ऑल ओवर BS3 की मॉडिफिकेशन, BS3 कार्बोरेटर, BS3 बेंड पाइप और BS3 बड़ा पंजाब साइलेंसर। तो भाई अपनी बाइक पूरी BS3 हो चुकी है, देख सकते हो लुक कितना सही आ रहा है। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।